हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल लर्न विद फाइज़ा आज का हमारा वीडियो लेक्चर होगा यीस्ट इन्फेक्शन पे यानी कि मेन्स के जो प्राइवेट पार्ट्स है वहाँ पे अगर कोई इन्फेक्शन हो रहा है रेडनेस हो रही है इचिंग हो रही है डिस्चार्ज हो रहा है या फिर रेड डॉट्स आ गए हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमारा वीडियो लेक्चर है तो इस वीडियो लेक्चर में हमें पते, पता चलेगा कि पुरुषों में जो यीस्ट इन्फेक्शन होने के कारण लक्षण निदान और इलाज अगर ये इन्फेक्शन हो रहा है तो वो कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं कौन सा इलाज है कौन सी मेडिकेशन लेनी चाहिए जिससे कि ये जो प्राइवेट पार्ट पे ये जो इन्फेक्शन हो रहा है उसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं तो चलिए हम देखते हैं कि उसके इलाज क्या है और ये जो यीस्ट इन्फेक्शन हो रहा है वो क्यों हो रहा है तो आप लास्ट तक बने रहिए जैसे कि आपको पता चलेगा कि हमें प्रॉपर हाइजीन कैसे रखनी है और किसके कारण ये यीस्ट इन्फेक्शन होता है तो सबसे पहले हम देखें कि ये जो यीस्ट इन्फेक्शन हो रहा है प्राइवेट पार्ट पे उसे मेडिकल टर्म में बेलानाइटिस प्रॉब्लम कहते हैं अब ये जो बेलानाइटिस प्रॉब्लम यानी कि यीस्ट इन्फेक्शन हो रहा है यीस्ट इन्फेक्शन यानी कि इन्फ्लेमेशन ऑफ यीस्ट यानी कि प्राइवेट जो पार्ट है वहाँ पे इचिंग होना रेडनेस होनी सोरनेस होना या फिर कोई ऐसा रेसिस होना यहाँ पे रेड डॉट्स हम दिख रहे हैं हमें ये जो रेड डॉट्स है वो क्या है वो एक वन टाइप का इन्फ्लेमेशन है अब ये जो यीस्ट इन्फेक्शन होता है वो किसके कारण होता है वो एक फंगस के कारण होता है उस फंगस का नाम है कैंडिडा ये जो कैंडिडा है उसका ग्रोथ होता है ओवर ग्रोथ होता है जिसके अकॉर्डिंग प्राइवेट पार्ट पे यीस्ट इन्फेक्शन होता है अब सिम्टम्स के बारे में देखें कि कौन कौन से सिम्टम्स है जिससे हमें पता चलेगा कि ये जो यीस्ट इन्फेक्शन हो रहा है वो यीस्ट इन्फेक्शन है या नहीं है या फिर इचिंग है या फिर सिंपल सा पेन है तो अब घर हम देखें तो सोरनेस यानी कि व्यथा रैसेस यानी कि चकते इचिंग यानी कि खुजली आना वाइट डिस्चार्ज फ्रॉम प्राइवेट पार्ट्स रेडनेस होना यानी कि लालपन होना पेन यानी कि दर्द एंड इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन होना अगर ये सारे जो सिम्टम्स आपको दिख रहे हैं आपके प्राइवेट पार्ट्स पे तो उसका मतलब है कि आपको यीस्ट इन्फेक्शन है नव कॉजिज़ कौन कौन से कॉजेज है जिसके अकॉर्डिंग हमें पता चलेगा कि फंगस यानी कि कैंडिडा का ग्रोथ हो रहा है तो इन इन्फेक्शन फंगस कैंडिडा फंगस का ग्रोथ हो रहा है तो या फिर इन्फेक्शन है तो हमें पता चलेगा कि ये हीस्ट इन्फेक्शन है ओवर ग्रोथ ऑफ कैंडिडा जो कैंडिडा स्पीसीज है उसका ओवर ग्रोथ हो जाना टे इंटरकोर्स विथ वुमन है वजाइनल इन्फेक्शंस यानी कि उसका मतलब क्या है अगर फीमेल को वजाइनल इन्फेक्शन है तो आप प्रोटेक्शन यूज कर सकते हैं जिससे कि आपको यीस्ट इन्फेक्शन ना हो देन अनदर कोज इज़ पुअर पर्सनल हाइजीन अगर आप पर्सनल हाइजीन प्रॉपर तरीके से नहीं रख रहे हैं तो उससे भी आपको ये से इन्फेक्शन हो सकता है रेगुलर यूज ऑफ डर्टी टॉयलेट्स अगर आप डर्टी टॉयलेट्स जो पब्लिक पार्ट्स पब्लिक टॉयलेट यूज कर रहे हैं तो उससे भी आपको इन्फेक्शन हो सकता है डो नोट क्लीन योर प्राइवेट पार्ट प्रॉपरली अगर आप आपके जो प्राइवेट पार्टस है उसे आप प्रॉपरली वॉश नहीं कर रहे हैं इंटीमेट वॉश नहीं कर रहे हैं या फिर वार्म वाटर से यूज़ नहीं कर रहे हैं या फिर आप कोई सोपी वाटर से यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आपको इन्फेक्शन हो सकता है अगर आप पब्लिक टॉयलेट तो, तो जो यूज़ करते हैं तो आपको प्रॉपर तरीके से आपके प्राइवेट जो पार्ट है उसे वॉश करना चाहिए रेगुलरली क्लीन करना चाहिए देन डायग्नोसिस ऐसा क्यों होता है कौन सा डायग्नोसिस है जिसे कि पता चलेगा कि ये यीस्ट इन्फेक्शन है ब्लड टेस्ट करवाना पड़ता है यूरिन टेस्ट फिजिकल एग्जामिनेशन होगा कल्चर टेस्ट टेस्ट फॉर एस यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस ये उसका जो टेस्ट होना देन डिस्चार्ज स्वेप टेस्ट प्राइवेट पार्ट पे जो डिस्चार्ज आ रहा है उस डिस्चार्ज का स्वैप यानी कि सैंपल लेना सैंपल लेके उसका टेस्टिंग करना इससे हमें पता चलेगा कि प्राइवेट पार्ट जो है वहाँ का ग्रोथ हो यानी कि कैंडी का, का जो स्पीसीज है उसका ग्रोथ हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है देन ट्रीटमेंट कौन सी ट्रीटमेंट है जिसे हम यीस्ट इन्फेक्शन में ले सकते हैं मेंस इंटीमेट हाइजीन वॉश मेंस का इंटीमेट वॉश आता है उसे आप रेगुलरली प्राइवेट पार्ट को वॉश कर सकते हैं औरल मेडिकेशन या फिर ड्रग्स ले सकते हैं हर्बल क्रीम्स लगा सकते हैं टॉपिकल प्रिपरेशन मार्केट में आती है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं देन uh, यहाँ पे देखें कि हमें इंटीमेट uh, वॉश जो है हाइजीन वॉश उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है एंटीबैक्टीरियल एंड एंटीफंगल प्रॉपर्टी है प्राइवेट स्किन इरीटेशन को प्रिवेंट करता है रिमूव बैड ऑर्डर्स कीप स्किन Uh, हाइड्रेट हमारी जो स्किन है वो उसे है, वो हाइड्रेट रखेगा पैराबेन एंड सल्फर फ्री है यानी कि आपको कोई इजिटेशन नहीं होगी एंड स्किन अकॉर्डिंग पीएच एडजस्टेड है तो यहाँ पे हाइजीन uh, एसेंशियल्स नाम का मेंस का इंटीमेट हाइजीन वॉश आ रहा है इंटीमेट वॉश तो आप वो यूज़ कर सकते हैं देन अनदर ट्रीटमेंट इज़ एंटी माइक्रोबियल यानी कि टेबलेट्स जो है वो आप ले सकते हैं मेट्रोनीडाजोल टीनीडाजोल सेक्सिनाडोजोल देन नीमोराजोल फ्लूकोनाजोल ये जो फाइव मेडिकेशन है वो आप ले सकते हैं अब यहाँ पर हम देखें तो फ्लेजाइल फोर हंड्रेड नाम की मेट्रोडिनाडाजोल की टैबलेट है जो कि एबोड कंपनी बनाती है सेक्सिनाडोजोल यानी कि सेक्सिनल फूर्ड वो भी एक टेबलेट है वो भी कौन बनाता है एबोट कंपनी बनाती है देन टना यानी कि टीनाजोल जो है वो रैन बैक्सी बनाती है एंड फ्लूका फिफ्टी यानी कि फ्लूकोनाजोल जो कि सिपला नाम की कंपनी उसे बनाती है तो आप ये जो टैबलेट्स है वो इस इन्फेक्शन में ले सकते हैं उसके बाद है हर्बल क्रीम्स मार्केट में जो हर्बल क्रीम्स अवेलेबल है टैक्जीमा हिमालय की एंटीसेप्टिक क्रीम आती है देन फंगीविन ये जो टैबलेट आती है वो हर्बल ट्रीटमेंट की क्रीम्स है तो आप हर्बल क्रीम्स ले सकते हैं अगर हम ऑप्शन फोर क्रीम में देखें तो कौन कौन सी क्रीम्स हैं तो एलोपैथिक में अगर हम देखें तो क्लोट्रीमाजो प्लस बैटलोमिथाजोन की क्रीम आती है जिसे हम कैंडिड बी कहते हैं उसका ये जो ब्रांड नेम है देन फ्लूओसिनोलोन एसिटोनाइट जो क्रीम आती है वो फ्लू कोट एव नाम की एच नाम की जो क्रीम है वो आप ले सकते हैं जो कि ग्लैंड प्रिपेयर करता है इमिडिल नाम की भी एक क्रीम आती है जिसका कंटेंट है 1 वो भी आप यूज़ कर सकते हैं देन ऑइंटमेंट में अगर हम देखें तो पोविडोन ऑइंटमेंट है जो कि सिप्ला बनाती है देना बेटाडिन नाम की ये जो ये भी एक ऑइंटमेंट है वो भी आप ले सकते हैं वो उसका भी कंपोजिशन है पोविडोन आयोडिन ऑइंटमेंट यूएसपी के अकॉर्डिंग तो ये जो आ, है एक यहाँ पे है सिपला की वो फाइव परसेंट पे है और ये बिटाडिन है वो टेन परसेंट ऑइन पे है तो ये भी ट्रीटमेंट आप ले सकते हैं देन अगर हम दूसरी क्रीम्स में देखें तो यहाँ पे है सरफाजन एसएन क्रीम एंड नियोस्पोरिन क्रीम जिसका कंपोजिशन होगा क्लोट्रिमाजोन बैक्लोमिसन डायप्रोपोनेट एंड न्यो क्रीम जिसका ब्रांड नेम है सरफाज एसन क्रीम एंड यहाँ पे है न्यो कोलिक्जिन बी सल्फेट एंड बेसिट्रेसन जिंक ऑपथर्मिक ऑबेंट ये जो है न्यूज पोरिन क्रीम है वो भी आप क्रीम लगा सकते हैं आपके प्राइवेट पार्ट पे अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आपको ये वीडियो भी अच्छा लगेगा तो आप मेरा ये वीडियो है वो जरूर से देखें देन आपको ऐसे ही वीडियो देखने हैं या फिर कोई इन्फेक्शन के बारे में जानना है या फिर आपको कोई इन्फेक्शन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट्स ड्रॉप कर सकते हैं Thank you for watching my video.